खबर है मिर्जापुर से। अरहोरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित भव्य रासलीला के सातवें दिन भक्त प्रहलाद की लीला के मंचन से पूर्व भव्य रासलीला की मनोहरी झांकी का दर्शन पूजन कर माला अर्पण कर विधि विधान से पूजन किया। श्री नागेश सिंह ने वहीं रासलीला कमेटी के अध्यक्ष कमलेश केसरी के द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर किया मुख्य अतिथि का स्वागत। मुख्य अतिथि ने किया आभार व्यक्त। उन्होंने कहा कि लीला में आने वाले सभी लीला प्रेमियों को चंदन तिलक लगाकर जरूर आए और अपने सनातन संस्कृति धर्म को मानते हुए लीला से हम सभी एक मार्गदर्शन के रूप में हम सभी को प्रेरणा देती है। इस अवसर पर बरसाना मथुरा से नरेश ठाकुर श्री राजली कृपा रास लीला मंडल के द्वारा विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। हजारों की संख्या में नित्य प्रतिदिन लीला प्रेमी दर्शन हेतु आते हैं। वही रासलीला समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने आने वाले मुख्य अतिथि व श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट आशीष पांडे। आज कौन सा दिन है और क्या क्या है? आज है भक्त प्रहलाद का लीला होगा। यह रासलीला विगत 11 वर्षों से निरंतर चल रहा है और ठाकुर जी की कृपा रही तो आगे भी चलती रहेगी। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नागेश जी जो बहुत बड़े समाज सेवी है। आज के मुख्य अतिथि थे सब्जी द्वारा क्या क्या सुविधाएं की जाती है भक्तों के लिए? समिति के द्वारा भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं की जाती है? समिति के द्वारा भक्तों के लिए बैठने का समुचित व्यवस्था किया गया है, जल का समुचित व्यवस्था किया गया है और प्रसाद वितरण का व्यवस्था किया गया है। ये ठंड में लीला हो रही है उसके लिए क्या कहेंगे आप? ठंड तो है लेकिन भक्त हैं, भक्त आ रहे हैं और लीला अच्छे से चल रही है। अब काफ़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। कमलेश केसरी भव्य रासलीला समिति अध्यक्ष। मथुरा से आप मथुरा से आए हैं, लीला कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? जी हम श्री धाम बरसाना से बता रहे हैं। हमारी जो संस्था है श्री लाडली कृपा रासलीला मंडल श्री धाम बरसाना, हम अहरोरा में श्री राधा कृष्ण मंदिर सत्यानगंज अहरोरा यहाँ पर विगत 10 सालों से हम लीला कर रहे हैं और यहाँ सभी भक्त बहुत ही आनंद लेते हैं लीला का। बहुत ही प्रेमी हैं, लीला प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं सभी यहाँ के भक्त। बहुत ही आनंद आता है। लगातार विगत 10 वर्षों से हम लीला कर रहे हैं, देखने को मिलता है कि बहुत ही आनंद लेते हैं यहाँ पे, बोर हो जाते हैं सभी लोग। आज की लीला क्या था? आज की लीला का जो रूपांकन था वह था भक्त प्रहलाद, जो उनके पिता थे हिरण्यकश्यप। वह बहुत ही जो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं टीवी आदि सभी पर देखते ही हैं कि वह राक्षस था। राक्षस होने के साथ वे भगवान के नाम से भी बहुत जलन करता था। तो उनके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। उन्हीं के उद्धार के लिए नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि अपने पुत्र को भगवान के नाम लेने पर बहुत ही यातनाएं देता है हिरण्यकश्यप, तो उन्हीं का हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार होता है और हिरण्यकश्यप वध होता है। इस लीला का सभी जो हमारे यहाँ पर आई हुई जनता ने सभी भक्तों ने बहुत ही आनंद लिया है।